देश के 9000 करोड़ रुपए दबाकर भारत से भागे हुए उद्योगपति विजय माल्या ने कहा कि देश छोड़ने से पहले संसद में उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करके सारा मामला सेटल करने का ऑफर दिया था। जेटली ने भी माना कि मुलाकात हुई थी, और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि लुकआउट नोटिसों के बावजूद विजय माल्या बड़े आराम से भाग गए। बहरहाल, इस खुलासे के बाद वरिष्ठ पत्रकार जिस तरह से अरुण जेटली के पक्ष में बैटिंग करते ट्वीट करते नजर आए, यह दिलचस्प लम्बलेट नज़ारे पर पैनी नजर रखते हुए न्यूज क्लिक के इस कार्यक्रम मीडिया पर खरी खरी में आपका स्वागत है। We are against the death penalty. They pick हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह विजय माल्या, अरुण जेटली और मीडिया के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी जरूरी जान पड़ती है। जब 12 सितंबर को विजय माल्या ने लंदन से यह बताया कि भारत छोड़ने से पहले वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे और सेटल करने की पेशकश की थी, इसके बाद सबसे बड़ी खबर यही थी, और इसका जो खुलासा था उससे हंगामा मचना स्वाभाविक था। इस बड़ी खबर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से मीडिया में यूपीए के समय के कागजात लीक किए गए और फिर शाम तक सारा नजारा प्राइम टाइम उसी को समर्पित कर दिया गया, वह मीडिया के बारे में एक अच्छी केस स्टडी हो सकता है। इससे हमें पता चल सकता है कि मीडिया में जो खबरें आती हैं और फिर उनको बदल के दूसरे ढंग से दूसरा चश्मा पहना के दिखाया जाता है दर्शकों को, वो कैसे किया जाता है, किस तरह से बड़े संपादकों, बड़े रिपोर्टरों और जिनकी सत्ता के साथ आवाजाही बहुत अच्छी है, और खास तौर से यहाँ हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के बारे में, और उनका मीडिया में किस तरह से हॉबनॉबिंग है, किस तरह से रिश्ते हैं, ये जग जाहिर है। इस खबर को जिस तरह से टर्न दिया मीडिया ने, उससे ये चीज और बेपर्दा हो गई कि कौन कौन लोग उनके पक्ष में ट्वीट करने और यह बताने कि नहीं नहीं उनके साथ अगर मुलाकात भी हुई तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां तक अगर पत्रकार उतर आए तो मुझे लगता है छिपाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। देश की राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर को 5 नौजवानों की मौत डीएलएफ के पौश आवासीय परिसर डीएलएफ कैपिटल सिटी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हो गई। इन पांचों नौजवानों पंकज कुमार यादव उम्र 26 साल, उमेश कुमार उम्र 22 साल, मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ राजा उम्र 20 साल, सरफराज उम्र 19 साल और विशाल उम्र 19 साल को ना तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई करने का कोई अनुभव था और ना ही उनका यह काम था। वे पंप ऑपरेटर थे या हाउसकीपिंग का काम करते थे। दिल्ली में पिछले 5 महीनों में 8 ऐसी मौतें हो चुकी हैं। अब तक दिल्ली में 96 कुल ऐसी मौतों के आंकड़े मौजूद हैं, जबकि पूरे देश का अगर आप ग्राफ उठाइए तो 1700 से अधिक लोग सीवर सेप्टिक टैंक में जान गंवा चुके हैं। इस मामले पर पूरी मीडिया में एक विस्तृत रिपोर्टिंग हुई, खबरें आईं, खबरों को ठीक से कवरेज हुई, और इसका श्रेय निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों और खास तौर से सफाई कर्मचारी आंदोलन को जाता है, जिसने इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी लड़ाई को तमाम विपरीत परिस्थितियों में समुदाय को साथ रखते हुए जिंदा रखा है। आपका तो इतने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और नीचे से ऊपर तक जाने के लिफ्ट बनाते हैं, अरे नीचे का सेप्टिक टैंक साफ करना ये कुछ व्यवस्था नहीं होते है क्या? तो कानून कहते हैं कोई का इंसान का आप सेप्टिक टैंक का अंदर और सीवेज का अंदर नहीं घुसाना। और आप देखिए कि धीरे धीरे उसने मीडिया को भी इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया है, रिपोर्टरों को साथ ले गए हैं और दिखाया है कि जो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं सीवर और सेप्टिक टैंक में, जो भारतीय नागरिक मर रहे हैं उनको ऐसे मरना नहीं चाहिए। ये जो एक कॉन्शियसनेस है, ये एक मूवमेंट कैसे क्रिएट करता है और मीडिया के साथ साथ कैसे चलता है, इसकी एक वानगी इस मामले में जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन तब भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतें हुई हैं, इसको लेके जो टीवी स्टूडियो में डिस्कशन हुए उसमें पूरी कोशिश कहीं ना कहीं से ये लाया गया कि यह दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बनाम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच का टसल है, जिम्मेदार कौन, जबकि हम सब जानते हैं कि जो सीवर में मौतें हो रही हैं और खास तौर से इस मामले में जो मौतें हुई हैं, इसके लिए जिम्मेदार अगर डीएलएफ नहीं तो कौन, इसके लिए अगर जिम्मेदार एमसीडी नहीं तो कौन, और इसके लिए जिम्मेदार हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वह नहीं तो कौन, क्योंकि मैला प्रथा
निषेध है, उसके खात्मे के लिए कानून है। सीवर और सेप्टिक टैंक में किसी भारतीय नागरिक को नहीं उतारना इस बारे में सिर्फ कानूनी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का 2014 का पूरा फैसला है जो बहुत साफ तौर पे कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी इंसान को सीवर और सेप्टिक टैंक में नहीं उतार सकते। लेकिन जब दिन दहाड़े देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है तो क्या इसमें हमें इस पे बहस करनी चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, ये सरकार है या वो सरकार है, या सीधे सीधे सवाल उठाना चाहिए कि कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं हो रहा? और इस बारे में जो स्वच्छ भारत का पूरा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो बड़े बड़े विज्ञापनों पर लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उन पर सवाल नहीं उठाया जाता। ये बात नहीं होती कि ये जो मौतें हैं ये कैसे हो सकती हैं अगर स्वच्छ भारत के तमाम दावे सही हैं। ये मौतें बताती हैं, और सिर्फ यही मौतें नहीं, 17,000 से अधिक मौतों का आंकड़ा है सफाई कर्मचारी आंदोलन के पास। और उससे ये साफ होता है कि लोग जो मर रहे हैं इन्हें मारा जा रहा है, क्योंकि कानून और सुप्रीम कोर्ट दोनों इन बारे में साफ है। और उसके लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही, ना केंद्र सरकार कुछ कर रही है और ना राज्य सरकार। तो जवाबदेही जहां हमें तय करनी है बतौर मीडिया, वहां हम जवाबदेही तय करने के बजाय दूसरे ढंग की रिपोर्टिंग करते हैं, और एक दो दिन की रिपोर्टिंग करने के बाद एक की गिरफ्तारी होती है और मामला ठंडे पड़ जाता है। तमाम मौतों में हमने ऐसा ही देखा है। तो सवाल यह उठता है कि मीडिया ये जो जरूरी सवाल हैं, जो लिंक्स हैं, ये कोई एक मौत दिल्ली में हो रही है और उसका चेन्नई या हरियाणा में होने वाली मौत से संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। सब जगह एक ही तरह की कहानियां हैं। वहां जो एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हमें तय करनी है कि आखिर क्यों नहीं तकनीक का विकास हो रहा, क्यों इंसानों को अंदर उतारा जा रहा है और कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा, ये जो सीधे सहज से सवाल हैं, ये मुझे लगता है कि हमें, आपको और मीडिया को इस तमाम मामलों में पूछने जरूरी थे। पिछले दिनों एक अहम समझौता हुआ, 2+2 डायलॉग, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य समझौता, लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता। इसको लेकर थोड़ी थोड़ी खबरें आईं, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर कवरेज होनी चाहिए थी, विस्तार में विश्लेषण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसमें जो बात होनी चाहिए थी कि इस समझौते और इससे पहले जो समझौते हुए हैं उससे किस तरह से भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ा है और भारत ने अमेरिका का दबदबा माना है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत के तमाम सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है, वो हमारे ऊपर नजर रख सकता है, यहाँ पर तेल भरवाया जा सकता है, यानी एक प्लेटफॉर्म के तौर पे भारत का इस्तेमाल हो सकता है पूरे एशिया पर नजर रखने के लिए। क्या ये भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पे हमला नहीं है? क्या ये भारत की पूरी एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है, रक्षा नीति रही है, उसमें समझौता नहीं है? और उससे भी बड़ी बात, इसको लेके जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर मीडिया ने क्यों नहीं तवज्जो दी? पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने साफ तौर पे कहा कि इससे भारत अपना पूरा हक खो देगा और एक तरह से हम नाटो के लिए काम करना शुरू कर देंगे, जबकि वो अघोषित है, घोषित तौर पे हम नाटो का हिस्सा नहीं है। और वह भी हम ऐसा तब कर रहे हैं जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार है। जी हाँ, ट्रंप, जिसे लेकर सिर्फ अमेरिका का मीडिया ही नहीं या अमेरिका के नागरिक ही नहीं, पूरे देश के जो नागरिक हैं, जो विश्व कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी है, वह एक संकट में फंसी हुई है कि वह किस तरह से दूसरे ढंग का सैनिकरण खास तौर से एशिया में करना चाहते हैं। और ऐसे में जो समझौता हुआ है इसकी जो डिटेल्स हैं, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप फायदे गिनाइए, लेकिन इसका जो एक डार्क साइड है, इसका जो एक प्रॉब्लमेटिक साइड है, उस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? ना अंग्रेजी में चर्चा हुई, और हिंदी में तो वाह वाह ही है कि भारत और अमेरिका बस इतने प्रगाढ़ संबंध बन गए हैं कि अब पूछिए ही नहीं। इस तरह की रिपोर्टिंग इतने अहम मसले पर आखिर हम क्यों कर रहे हैं? बात सिर्फ सैन्य समझौते की नहीं, भारत की राजनीति में रफेल तो एक जिन्न की तरह है। रफेल सौदे में हुए घोटाले पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पिछले एनडीए के सरकार में शामिल रहे दो मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व मंत्री व वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने 11 सितंबर को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के राज में यह सबसे बड़ा घोटाला ही नहीं है, खुद इसमें व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी भी शामिल दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए
136 लड़ाकू विमानों की खरीद को घटाकर 36 कर दिया, 36 कर दिया और कीमत भी प्रति विमान 1000 करोड़ रुपए के करीब बढ़ा दी। इससे पहले भी 8 अगस्त को इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यही अहम बातें रखी थी, लेकिन उस समय मीडिया ने पूरी तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्लैकआउट किया था। उस समय सिर्फ NDTV और कुछ वेबसाइट्स जैसे क्विंट, वायर, नेशनल हेराल्ड, न्यूज क्लिक, स्क्रोल, जनचौक आदि ने इसे छापा था। लेकिन तब से लेकर, जी हाँ, अगस्त से लेकर सितंबर तक कम से कम यह अंतर आया है कि 11 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम मीडिया घरानों ने, किसी ने बड़ा छोटा अंदर बाहर, लेकिन छापा। पूरी तरह से ब्लैकआउट करना मीडिया के लिए इस बार मुश्किल रहा। और मुझे लगता है यहां पर हमें समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। शायद लगातार ये मामला जिंदा है और इस पर बात हो रही है, इसलिए सरकार भी घबराई हुई है और मीडिया को कवरेज देनी पड़ी। लेकिन इसी समय एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। 13 सितंबर को दो खास इंटरव्यू छपते हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के। दोनों जो अहम इंटरव्यू हैं, दोनों जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं निर्मला सीतारमन के, वो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते हैं और वो दोनों ही राफेल के बारे में है। और उसमें बताती हैं निर्मला सीतारमन कि यह समझौता कितना बेहतर है और यूपीए ने जो समझौता किया उससे ज्यादा बेहतर है। और ध्यान दीजिए, उन्होंने जो चुना इंटरव्यू देने के लिए वो इंडियन एक्सप्रेस, वही इंडियन एक्सप्रेस जो लगातार राफेल पर दूसरे ढंग की कवरेज कर रहा था। वह बता रहा था कि इस समझौते से भी जो राफेल आना शुरू होगा भारत में, वो जो सरकार बोल रही है उस समय नहीं आएगा, उसे बहुत बाद आएगा। यानी जो अर्जेंसी का क्लॉज सरकार लगातार इस समझौते के पीछे दिखा रही थी वह बकवास है। कम से कम यह साबित होता था, अगर इसे आप ठेठ देसी भाषा में कहिए, कि जो भी उन्होंने लॉजिक बिल्डअप किया था कि हम 136 से 36 तक इसलिए पहुंचे ताकि जल्दी पहुंच जाए, हमारी सेना को बहुत ज़रूरत है, लेकिन जो खुलासा हो रहा था लगातार कड़ी कड़ी में जो खबरें आ रही थी उससे पता चल रहा था कि ये सारे दावे जो सरकार के हैं यह गलत है, यह सही नहीं है। ऐसे में निर्मला सीतारमन का इंडियन एक्सप्रेस के उसी रिपोर्टर को इंटरव्यू देना और उस इंटरव्यू का बड़ा सा छपना टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंटरव्यू देना और उसका भी प्रमुखता से छपना, इस बात को समझाता है कि केंद्र सरकार में यह भय है कि जो अवधारणा उसके खिलाफ बन रही है, मीडिया में जो छोटी बड़ी खबरें आ रही हैं उसको मैनेज करने के लिए मीडिया में या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिए जाएं या कुछ पेपर लीक किए जाएं, ये तमाम क्रम बहुत सोचे समझे ढंग से मीडिया के भीतर चल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से 2019, जी हाँ 2019 का चुनाव सर पर है और इसको लेके सरकार और विपक्ष दोनों में रसाकशी चल रही है, जमीन पर लड़ाई चल रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसके पक्ष में माहौल बने और जो उसको परेशान करने वाले सवाल हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो दलित आदिवासियों पर उत्पीड़न हो, इन तमाम मामलों से दिमाग डाइवर्ट किया जाए और अगर डाइवर्ट ना हो पाए तो नई ढंग की खबरें, अपने मन माफिक खबरें छपें। ऐसे में मुझे लगता है ये हमें आपको सोचना ज़रूरी है मीडिया के तौर पर, मीडिया कर्मी के तौर पर और देश के नागरिक के तौर पर, कि हम अपनी पैनी निगाह कहाँ रखेंगे, किन सवालों को लगातार उठाते रहेंगे, ताकि जो अवधारणा बनाने का बड़ा खेल चल रहा है उसे हम चुनौती दे सकें और सही मुद्दों और सच के प्रति अपने समर्पण को जिंदा रख सकें। शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick up these हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह।